نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all. الحمد لله ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس نمبر 16 ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے یہ لوگ ستایا کرتے تھے. چلے ہم مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. آپ بھی جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں. آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. चलिए हमारी नशस्त का आगाज़ करते हैं. जिसमें हम देख रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस तरीके से अलग अलग तरीके से बातें बनाते हैं, किस तरीके से सताया करते थे. चलिए जहाँ से हमने रोका था वहीं से कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह अज़ीज. उमैया बिन खल्फ का वतीरा था कि वो जब रसूल अलैहि वसल्लम को देखता था तो उमैया भी एक बहुत बड़ा कुफार हो चुकी है. जैसे कि मैंने बहुत बार गुज़िश्ता नशस्तों में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफीन थे, कुफार मुशरिकीन थे, इनमें सबसे बड़े बड़े जो कुफार मुशरिकीन के नाम मिलते हैं वो है अबू जहल, अबू लहब, उमैया, उतबा, रायबा, शैबा, इन सब लोगों के नाम मिलते हैं जो बड़े कुफार व मुशरिकीन थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज दी, बहुत सताया. तो इन्हीं में से है उमैया. तो उमैया बिन खल्फ का वतीरा था कि वो जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था तो वो लानत करता था. उसके मुताबिक ये आयत नाजिल हुई कुरान मजीद की कि वैलुल लकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, यानी कि हर लानत तान और बुराई बुराई करने वालों के लिए तबाही ही है. यानी कि सूरे 30th पारे में वैलुल्लि कुल्लि हमजतिल लुमज़ा जो हम सूरा पढ़ते हैं, इसमें अल्लाह ने वाज़े तौर पे बता दिया कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लानतान करते हैं और बुरी बातें करते हैं गोया तबाही उन्हीं के लिए है. तो इब्ने हिशाम कहते हैं कि हुमाज़ा वो शख्स है जो अलानिया गाली बक्का करता था और आंखें टेढ़ी करके इशारे करा करता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर. और लुमज़ा वो शख्स है जो दो दो लोगों का जिक्र आ रहा है, एक हुमज़ा है एक लुमज़ा है. तो और लुमज़ा वो शख्स है जो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करे और उन्हें अजियत दे. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जो शख्स अलानिया गाली बके उसको मजा कहा गया, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि बुरी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही तो और अजियत देने वाली बातें कही तो उसे लुमज़ा कहा गया है. उमैया का भाई था उबै बिन खल्फ, तो उखबा बिन अबी मुईद का गहरा दोस्त था. तो ये सारे जो नाम अभी आ रहे हैं आप याद रखें कि ये सारे कुफार और मुशरिकीन के नाम हैं. एक बार उखबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कुरान मजीद पढ़ा करते थे ना, जैसे कि मैंने आपसे गुज़िश्ता नशिस्त में भी इस बारे में बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी पढ़ा करते थे कुरान मजीद, तिलावत करते थे, कुफार मुशरिकीन बजाय इसके कि ईमान नहीं लाते, लेकिन वो उनको इतना प्यारा दिखता कि वो छुप छुप कर सुना करते थे. तो इसी तरीके से उकबा ने भी एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना था. उबै को मालूम हुआ, उबै उसका दोस्त था ना, तो उबै को मालूम हुआ तो उसने उकबा को सख्त सुस्त कहा, इत्तेबा किया और एताब किया और उससे मुतालिबा किया कि वो जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर थूक कर आए. तो ये कुफारो मुशरकीन आप देखिए किसी हद को इन इन लोगों ने बाकी नहीं रखा. आप देखेंगे सीरत के जब हम मुताला कर रहे हैं तो
आप किस हद तक वो नीचे गिर सकते हैं इसका हमें अंदाजा होता है कि वो इतना इतना अजियत देने में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। गोया वो चाहता था कि माजल्ला माजल्ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाकर थूक कर आए। खुद उबै बिन खल्फ ने एक मरतबा एक बोसीदा हड्डी लाकर तोड़ी और हवा में फूंक मार कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उड़ा दी। तो ये कुफार और मुशरिकीन इतनी इतनी अजियत देते थे और आज हम हमारे दीन को इतना मामूली लेते हैं कि हमें उन चीजों का एहसास ही नहीं है ना कि कितनी मुश्किल से कितनी तकलीफों के बाद कितनी परेशानियों के बाद ये दीन आज हम तक पहुंचा है। आज हम मुसलमान हैं तो वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का नतीजा है ना कि आज हम ईमान वाले हैं। वरना हम तो इंडिया में रहते थे, हमारे पास हमारा कल्चर में शुरू शुरू से ही वो कहते हैं कि आइडियलिज्म आम था ना उस जमाने में भी वहां पर। तो फिर किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करते हुए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने इतनी इतनी कुर्बानियां देकर हम तक दीन पहुंचाया और आज हम अपने दीन को इतना मामूली लेते हैं कि हम अपनी नमाजों की पाबंदी नहीं करते, हम कुरान की तिलावत को अहमियत नहीं देते, ना हम ऐसी मदरसों में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो या नबी करीम सल या फिर अल्लाह सुबहान व तआला का जिक्र किया जाए। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप के अंदर तब्दीली लाए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से नज़दीक होना ही हमारे लिए असली कामयाबी है। रमजान मुबारक कुछ ही वक्त में आने वाला है और रजब का महीना चल रहा है तो हमें चाहिए कि हम अपने आप के ऊपर खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास के जो हम बात कर रहे थे, बात फिर दूसरी तरफ चले जाएगी। अखनस बिन शुरैह शकाफी भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने वालों में था। तो ये एक और शख्स है अखनस बिन शुरैह शकाफी, इनका नाम है। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने वालों में था। कुरान में उसके 9 असाब बयान किए गए हैं जिनसे उसके किरदार का अंदाजा होता है। तो कुरान मजीद में अलग अलग आयतों में उसके 9 असाब बयान किए गए हैं। चले एक के बाद एक हम देखते हैं कि कुरान मजीद में इसके बारे में क्या है और इससे हमें क्या सीखना है। तو ولا تطيع كل حلاف معين حماد مشاء بنميم مناع للخير معتد عسيم عتل بعد ذلك سنين ان كان ذا مال وبنين। यानी कि तुम बात ना मानो किसी कसम खाने वाले जलील की जो लान तान करता है, चुगलियां करता है, भलाई से रोकता है, हद दर्जे जालिम बदअमल और जफाकार है और उसके बाद बद बद असल भी है यानी कि उसके बद बद अमले हैं। तो अबू जहल भी कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था लेकिन ये बदबخت इतना अकड़ इसके अंदर इतनी थी कि वो हक जानते हुए भी अल्लाह की तरफ से उसको हिदायत नसीब नहीं हुई। ईमान ओ इताहत और अदब ओ खशियत इख्तियार नहीं करता था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अजियत पहुंचाता और अल्लाह की राह से रोकता था। फिर अपनी इस हरकत और बुराई पर नाज और फख्र करता हुआ जाता था गोया उसने कोई काबिले जिक्र कारनामा अंजाम दिया है। तो ये जो कुफार मुशरिकीन थे ना, आप अगर देखेंगे तो इन सभी में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। जितने भी कुफार मुशरिकीन का जिक्र मिलता है इन सब में ये एक क्वालिटी आपको सब में मिलेगी कि ये जो कुफार मुशरिकीन थे ना, इनमें ये था कि ये हमेशा तकब्बुर बहुत करते थे और इनमें अकड़ थी कि ये अपने आप को सबसे आला समझते थे और जो इनकी समझ है वो उसी को सही समझते थे। यानी कि इनके पास ये एक आप सारे कुफार मुश्रिकीन में देखेंगे
इन सभी की ये आदत थी कि ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे और ये अपने आप से चाहते थे कि जो हमारा फहम है, जो हम समझते हैं, वही सबसे सही चीज है। ये इनका मानना था कि हम जो कहते हैं वही सही हैं, जो हमारे बाप दादा हैं। बेसिकली अगर ट्रेड्स के हिसाब से हम देखें तो हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ये झुठलाने वाले तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ इनमें ये क्वालिटी थी कि इनको अपने आप के ऊपर बहुत नाज था, इनको अपने आप के ऊपर बहुत गुरूर था, अपने मर्तबे को ये बहुत बुलंद समझते थे और ये अपने आप को बहुत आला समझते थे। तो ये एक चीज है जो हमें देखने को मिलती है कि इन लोगों के पास ये जो सिफत थी ना, कि जिसको हम अगर कहें तो जो जिसको जिसे कहते हैं मैंपना, यानी कि जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं ही सही हूँ हर चीज में। एक इंसान की समझ और फहम होती है कि सामने वाला अगर उसको किसी चीज के बारे में बोले तो उसमें सुनने की गुंजाइश हो, कि वो भी गलत हो सकता है ना, जो उसकी समझ है। लेकिन इन लोगों में ये सिफत थी कि ये अपने आप ही को सही समझते, अपने आप ही को बड़ा समझते और अपने आप ही को आला समझते ना, नसब के एतबार से। और ये भी अपने आप को समझते कि हम बहुत आला हैं, हमारी नस्ल अच्छी है और हमारे इतने इतने मतलब शोहरत, इन सब चीजों का उन लोगों को बहुत नाज था। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अज़ियत पहुंचाता था। किसका जिक्र हो रहा है? अबू जहल का जिक्र हो रहा है। तो अबू जहल जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान मजीद भी सुनता था, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अज़ियत पहुंचाता था और अल्लाह की राह से रोकता था, यानी कि दीन का काम करने से, लोगों तक दीन पहुंचाने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका करता था। फिर अपनी इस हरकत पे वो क्या करता था, हरकत और बुराई पर बड़ा नाज और फखर करता हुआ जाता था, गोया कि उसने कोई काबिले जिक्र कारनामा अंजाम दिया है। तो कुरान मजीद की ये आयत इसी शख्स के बारे में नाजिल हुई है कि वला सद्दक वला सल्ला, ना उसने सदखा दिया ना नमाज पढ़ी, बल्कि झुठलाया और पीट फेरी। तो ये अबू जहल के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाए कि वो फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया, तेरे खूब लायक है, खूब लायक है, यानी कि ईमान उसके हक में अल्लाह ने लिखा ही नहीं। क्योंकि किस वजह से नहीं लिखा, आप कुरान मजीद का अगर मुताला करेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, तो आपको ये बात वाजे तौर पर मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को हिदायत नहीं बख्शते जो तकब्बुर करते हैं, यानी कि अपने आप पर नाज और फखर करते हैं। तो यह अल्लाह को ये चीज नहीं पसंद है कि इंसान अपने अंदर के अपने आप के अंदर आना पैदा करे ना, तकब्बुर पैदा करे। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोया उन्हीं लोगों को हिदायत नहीं बख्शी जो नाफरमान थे ना। तो ये बड़ा नाफरमान शख्स गुजरा। तो इस शख्स ने पहले दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, तो उसी दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकता रहा, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ दिए बिना अपनी इबादत अपनी जगह कर भी रहे थे, तब भी उसको इससे तकलीफ थी। देखें कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पहली बार नमाज पढ़ते हुए देखा, तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोका। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि उसका गुजर हुआ, देखते ही बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने तुझे इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। उस पर वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो खुदा की कसम, इस वादी मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने रोका, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया और धमकी दी। तो वो ये कह रहा था कि तुम किस बात की मुझे धमकी दे रहे हो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखो कि खुदा की कसम, इस वादी यानी कि मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है, क्योंकि वो सरदार कबीले से था ना, सरदार घराने से था, तो लाजमी बात है कि बड़ा उनका रौब रहा होगा उस जमाने में। तो वो कहता है इस तरीके से कि खुदा की कसम, इस वादी में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। तो
इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि फल फल या दुरून दिया, ये सूरे इकरह में है। अल्लाह ने नाजिल फरमाया फल ना दुरून दिया, यानी कि अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सजा के फरिश्तों को बुला देते हैं। तो अल्लाह से गोया इसने इस तरीके से कहा ना कि तकबर करके कि मेरी महफिल बड़ी है, तो अल्लाह ने भी फरमा दिया कुरान में कि वो बुलाए अपनी महफिल को। अल्लाह भी जो है फरिश्तों को जो नाफरमानी करते हैं उनको सजा देने वाले फरिश्तों को अल्लाह बुलाता है। तो अल्लाह जब इन फरिश्तों को बुलाए तो गोया कोई अल्लाह को रोक सकता है नहीं। तो यहाँ पे इस बात को वाजे कर दिया गया। तो एक रिवायत में मजकूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गरेबान गले के पास से पकड़ लिया और झिझोड़ते हुए फरमाया, औला लक फाउला, औला लक फाउला, यानी के लिए यानी तेरे लिए बहुत ही मौजू है, तेरे लिए बहुत ही मौजू है, यानी कि इस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे धमकी दे रहे हो, खुदा की कसम तुम और तुम्हारे परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं मक्के के दोनों पहाड़ियों के दरमियान चलने फिरने वालों में सबसे ज्यादा मुअज्जज हूँ। तो गोया इसका तकब्बुर देखें कि ये अपने आप को इतना बड़ा समझता था कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो झुठलाता ही था, इसने ये भी कह दिया कि खुदा की कसम तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते, यानी कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसको इतना इतना तकब्बुर था उसको अपने आप के ऊपर कि गोया उसने ये कहा। बहरहाल इस डांट के बावजूद अबू जहल अपनी हिमाकत से बाज ना आने वाला था, बल्कि उसकी बदबख्ती में कुछ और इजाफा ही हो गया। चुनाचे सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि एक बार सरदाराने कुरैश अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरात के रूबरू अपना चेहरा खाक आलूदा करते हैं। जवाब दिया गया हाँ। उसने कहा लात और उज्जा की कसम, आपको पता है ना जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा कि लात और उज्जा, जैसे मैंने शुरू की नशस्तों में हमारी जब बात में किस तरीके का माहौल था और वो किन किन बुतों की परस्तिश करते थे, तो उसमें आपको याद होगा कि हुबुल एक बहुत बड़ा बुत था और लात एक बहुत बड़ा बुत था और उत्ता भी एक बहुत बड़ा बुत था जिसको ये बहुत मानते थे। तो उसने कहा कि लात तो उर्वा की कसम, अगर मैंने इस हालत में उसे देख लिया तो उसकी गर्दन रौंद दूंगा और उसका चेहरा मिट्टी पर रगड़ दूंगा। उसके बाद उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और इस ज़ोम में चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन रोड़ देगा। लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा कि वो एड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथ से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा अबू जहल हकम तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है, यानी कि जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने दोबारा देखा कि वो नमाज पढ़ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे ना, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होया माशाल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन रोन देगा। इस नीयत से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब वो आगे बढ़ ही रहा था तो लोगों ने देखा कि वो अपनी एड़ियों के बल पलट रहा है और दोनों हाथों से बचाव कर रहा है। तो लोगों ने कहा कि अबू जहल हकम तुम्हें क्या हुआ? तो यहाँ पे हकम जो है ना, अब वो अपने आप को बहुत, आप कहें कि वो जो कह रहा है वो सही हकम मानता था वो, तो ये अल्लाह के नबी इसीलिए उसे जहल बुलाते थे, अबू जहल, यानी कि वो जहालत करता था ना, जहालत में इतना आगे बढ़ गया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अबू जहल ही बुलाते थे, हकम नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने कहा कि मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है, हौलनाक है और हौलनाक है और पर है, यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसका एक एक आजू उचक लेते, यानी कि
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वो रोन लेगा, इस नीयत से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ रहा था ना, तो फरिश्ते अगर वो और एक कदम भी आगे बढ़ाता तो गोया फरिश्ते उसके एक एक आंसू को उछक लेते, तो वो आग की खंदक उसे दुनिया में ही महसूस हुई। इसके बावजूद बावजूद भी वो ईमान नहीं लाया। जोर और सितम की ये कार्रवाइयां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थी और आम खास के नफूस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनफरिद शख्सियत का जो वक़ार और एहतराम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के सबसे मोहतरम और अजीम इंसान अबू तालिब की जो हिमायत और हिफाजत हासिल थी उसके बावजूद हो रही थी। तो ये सब अजियतें कभी कब की बात हो रही है हम जो जिक्र कर रहे हैं अभी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो अबू तालिब है ये उनकी हिफाजत और हिमायत में है, उसके बावजूद ये सभी अजियतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठानी पड़ी। तो आप बस इमेजिन करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से इन लोगों ने सताया होगा अबू तालिब के दुनिया से गुजर जाने के बाद। जब वो दुनिया में थे तभी वो इतनी हद तक आगे बढ़ गए थे, बावजूद इसके कि अल्लाह के नबी सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के के सबसे मोहतरम और अजीम जो इंसान थे अबू तालिब उनकी हिफाजत में थे, उनकी किफाजत में थे ना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब खुद सबसे मोहतरम और अजीम घराने की थी। तो हमने देखा कि इतने बड़े घराने के होने के बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त ये अबू जहल और दीगर जो कुफार और मुशरिकीन थे वो अलग अलग तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें पहुंचाते रहते थे। बाकी रही वे कार्रवाइयां जो मुसलमानों और खसूसन उनमें से ही कमजोर अफराद की इजा रसानी के लिए की जा रही थी वो कुछ ज्यादा ही संगीन और हल्की हैं। हर कबीला अपने मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सजाएं दे रहा था। तो जैसे कि हमने आपने अगर सीरत की किताब खुद भी पढ़ी होगी या आपने वो फजाइल आमाल या जो हम पढ़ते हैं ना अक्सर की हयात सहाबा जिसमें सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के वाकयात होते हैं, अगर हम उन चीज़ों का मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस किस तरीके से ये लोग सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को तकलीफें पहुंचाते थे ना अलग अलग तरीके से। क्योंकि मैंने आपसे बताया ना गुज़िश्ता नशिस्त में भी पिछले नशिस्तों में भी आपसे मैंने जिक्र किया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले मुसलमान थे इब्तदाई दौर के जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन थे वो निहायत ही कमजोर तबके के यानी कि वो निचले तबके के माने जाते थे ना, वो बहुत निचले तबके के होंगे जैसे कि आप समझे गुलाम थे, बहुत सारे सहाबा इकराम गुलाम थे जिनमें से सबसे मशहूर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनका वाक्य मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में भी आपसे बयान किया था। तो तरह तरह की तकलीफें देना, हर कबीले ने जो है अपने कबीले में जो जो भी मुसलमान होने वाला अपराध होता उसे तरह तरह की सजाएं दे रहा था, और जिस शख्स का कोई कबीला ना था उन पर तो उन पर जो उनके सरदार होते थे और आबाशों होते थे उन्होंने ऐसे ऐसे जोर और सितम रवा किए थे जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान का दिल भी छलनी से तड़पने लगे, यानी कि मजबूत इंसान का दिल भी बेचैनी से इतना तड़पने लगे कि अल्लाह अकबर कबीरा क्या क्या तकलीफें इन्होंने सही ना। इसी जमन में मैं बताती चलूं कि सबसे पहले शहीद होने वाली जो है खातून वो है हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिन जो अम्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा है और उनके वालिद यासर, ये दोनों इस्लाम के सबसे पहले शहीद हैं। उनकी वालिदा को इस अबू जहल ने शर्मगाह में तीर मारकर मारा था जिसकी वजह से उनकी जान चली गई, यानी कि वो शहीद हो गई। उनको जमीन पर लेटाया, लेटाकर उनके हाथ और पैर दोनों हाथों को और पैरों को बंद किया और उनसे उन्हें अलग अलग तरीकों से मारा गया।
उसके बावजूद भी वो जब अल्लाह के कलाम से यानी कि अल्लाह को वाहिद मानने से नाफी थी, तो फिर गोया उसने उनकी शर्मगाह पर डींग मारा और वो जा बहक हो गई। यानी कि आप बस सोचिए कि कितनी कितनी तकलीफें दी, और ये सब हो रहा है हमारे रज़ी अल्लाह ताला की आंखों के सामने। आप सोचिए एक बेटे के सामने उसके वालदैन को कत्ल कर दिया जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती होगी ना। और इसी तरीके से यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मारने के लिए उन्होंने ये तरकीब अपनाई कि चारों यानी कि हाथ जो होते हैं ना, एक हाथ, दूसरा हाथ, फिर तीसरा पैर, चौथा, यानी कि चारों तरफ से अलग अलग ऊँटों से उनको बंध दिया गया और उन चारों ऊँटों को चार अलग दिशाओं में भगाया गया। तो आप बस सोचें कि उनके जिस्म का एक एक आज़ा अलग अलग हो गया ना। तो इस तरीके से उनकी शहादत हुई। तो आप बस सोचें कि किस किन तरीकों से इन लोगों ने सहाबे करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को तकलीफें पहुंचाई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अबू जहल जब किसी मुअज्ज़ज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता, जलील और रुसवा करता और माल और जाह को सख्त खसारे से दो चार करने की धमकियां देता, और अगर कोई कमजोर आदमी मुसलमान होता तो उसे मारता और दूसरों को भी भड़क भड़काता कि इसे तकलीफ पहुंचाओ। यानी कि उसके कोई मालिक होते, कोई सरदार, तो गोया जो अमीर लोग होते जिनको वो खुद से मार या रोक नहीं सकता था, उन्हें वो इस चीज की धमकी देता था कि तिजारत के मामले में ना ये उनके पैसों में कमी कर देगा या उन्हें इस तरीके से वो काम नहीं करने देगा, और बुरा बुला कहता था, वो उन्हें जलील रुसवा करता था। तो जो निचले तबके के थे यानी कि जो कमजोर आदमी थे वो मुसलमान होते तो फिर उनके सरदार वो अगर उसके इख्तियार में होता कि वो खुद मार सकता तो वो खुद मारता, अगर वो उसके इख्तियार में नहीं होता खुद मारने के तो वो जो जिस जो उसका सरदार था उसको ये भड़काता। हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तआला अन का चाचा उन्हें खजूर की छत में लपेट कर नीचे से धुआं देता था। यानी कि उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तआला उनके जो चाचा थे वो उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तआला उनको आप खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं देता था। धुआं यानी कि आप उसको समझने के एतबार से आप समझे, गरम धुआं जो कोयले कोयले से आता हो या आग से जो निकलने वाला गरम धुआं, वो उस्मान हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तआला उनको उनके चाचा इस तरीके से तकलीफ देते थे। हजरत मुसाब बिन उमेर रजी अल्लाह तआला की माँ को उनके इस्लाम लाने का इल्म हुआ तो उनका दाना पानी बंद कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया, यानी कि उन्हें खाने पीने की कोई चीज नहीं दी गई और उन्हें घर से निकाल दिया गया। ये बड़े नाज और नेमत में पले थे, यानी कि बहुत नाजों से पले हुए थे हजरत मुसब बिन उमेर रजी अल्लाह तआला। हालात की शिद्दत से दो चार हुए तो हाल इस तरह उधड़ गई जैसे सांप कुचली छोड़ता है। यानी कि वो इतने नाज और नखरों से पले बड़े थे और वो इतने आप समझने के एतबार से अगर समझें तो वो वेल बिल्ट थे और फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन जब उन पर खाना बंद कर दिया गया, उनको अजियतें पहुंचाई गई, उनको घर से निकाल दिया गया, खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो इतने दुबले हो गए कि वही शख्स की पर्सनालिटी आप कहें कि टोटली चेंज हो गई थी, जैसे किसी सांप ने उनको उचक लिया। यानी इतने दुबले पतले वो हो गए थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला उमैया बिन खल्फ ही के गुलाम थे। तो चलें दोबारा बिलाल रजी अल्लाह तआला इनका वाक्य आ गया तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं। इसकी जिक्र कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला उमैया बिन खल्फ जुमही के गुलाम थे। उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता कि वो उन्हें मक्के के पहाड़ों में घुमाते फिरते थे, यहाँ तक कि गर्दन पर रस्सी के निशान पड़ जाते थे। खुद उमैया भी उन्हें बांध कर डंडे से मारता था और चिलचिलाती धूप में
जबरन बिठाए रखता था। खाना पानी भी नहीं देता था, बल्कि भूखा प्यासा रखता था, और उससे कहीं बढ़कर ये जुल्म करता था कि जब दोपहर की गर्मी शबाब पर होती तो मक्के के पथरीले कंकरों पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था। फिर कहता कि खुदा की कसम, तू इसी तरह पड़ा रहेगा यहाँ तक के मर जाए, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर करे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला इस हालत में भी फरमाते, अहद अहद, यानी कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। एक रोज यही कार्रवाई की जा रही थी कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का गुजर हुआ। उन्होंने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला को एक काले गुलाम के बदले और कहा कि और कहा जाता है कि 200 दिरहम, यानी कि 735 ग्राम चांदी, या 280 दिरहम, यानी कि 1 किलो से ज्यादा चांदी के बदले खरीद कर आजाद कर दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के आप देखेंगे कि दीन इस्लाम के खातिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की बहुत कुर्बानियां हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस्लाम के लिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अपना माल दिल खोल कर खर्च किया है, हमेशा हमेशा हमेशा। आप देखेंगे इंशाल्लाह हिजरत का और हिजरत के बाद का भी जब जिक्र आएगा, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पैसों से ही जो सबसे पहली मस्जिद बनी थी ना, मस्जिद कुबा, उसके लिए भी जो प्लॉट खरीदा गया था, और मस्जिद नबी के लिए भी जो पैसों का इंतजाम किया गया था, वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की तरफ से ही था। और हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह तआला जिसका मैंने अभी अभी भी जिक्र किया ना, चलिए इनका भी डिटेल में वाकया गया तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह तआला बनु मखजूम के गुलाम थे, तो बनु मखजूम के गुलाम थे। जैसे कि मैंने बताया ना कि ज्यादा ईमान लाने वाले, यानी कि इब्तदाई दौर में ईमान लाने वाले मुसलमानों में आप देखेंगे कि वो लोग ज्यादा मिलते हैं, यानी कि वो सहाबा इकराम ज्यादा मिलते हैं जो निचले तबके के थे। तो हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला बनु मखज़ूम के गुलाम थे, उन्होंने और उनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर कयामत टूट पड़ी। तो जब उन लोगों को पता चला ना वहां पर, तो उन पर गोया कयामत टूट पड़ी। मुशरिकीन जिनमें अबू जहल पेश पेश था, सख्त धूप के वक्त उन्हें पथरीली जमीन पर ले जाकर उसकी तपिश से सजा देता। एक बार उन्हें इसी तरह सजा दी जा रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आले यासर, सबर करना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उनको ईमान लाने की वजह से इतनी अज़ियत पहुंचाई जा रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उस वक्त, खुद अल्लाह के नबी के वो मुखालिफ थे तो वो छुड़ा तो नहीं सकते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब्र की तलकिन फरमाई कि हर परेशानी में, हर तकलीफ में, हर मुश्किल में सब्र को इख्तियार करें ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आले यासर, सबर करना, तुम्हारा ठिकाना जो है जन्नत है। आखिरकार यासिर जुल्म की ताब ना लाकर वफात पा गए, और सुमैया रजी अल्लाह तआला जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की वालिदा है, उनकी शर्मगाह में अबू जहल ने नीजा मारा और वो दम तोड़ गई। ये इस्लाम में पहली शहीदा है। हजरत अमर रजी अल्लाह तआला पर सख्ती का सिलसिला जारी रहा। उन्हें कभी धूप में तड़पाया जाता तो कभी उनके सीने पर सुर्ख पत्थर रख दिया जाता, कभी पानी में डुबाया जाता। उनसे मुशरिकीन कहते थे कि जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली न दोगे या लात और उज्जा के बारे में कलमाए खैर न कहोगे, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला ने मजबूरन उनकी बात मान ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते और माजरत करते हुए तशरीफ लाए। इस पर यह आयत नाजिल हुई, मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही इल्ला मन उकरिहा
وقلبه مطمئن بالإيمان، जिसने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कुफर किया उस पर अल्लाह का गजब और अजाब अजीम है, लेकिन जिसे मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान पर मुतमइन हो उस पर कोई गिरफ्त नहीं। यानी कि जब उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी तो उनसे बचने के लिए उस इंतहा से उनको मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी हमारे जलराव दादान को, लेकिन उनके दिल में इतनी तकलीफ और इतना उनको उनका दिल शिकस्ता हुआ था कि मैंने क्यों किया, ये किस मुझसे ये हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उनके ये दिल में जो एहसास था इस पर अल्लाह ने, और वो जब रोते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और माजरत की, तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि जिसने ईमान लाने के बाद कुफर किया उस पर अल्लाह का गजब और अजाब असीम है, लेकिन जो जिसे मजबूर किया गया। तो यहाँ पर उन्होंने अपने इख्तियार से, यानी कि खुद मर्जी से नहीं कहा ना, उनको जबरदस्ती मजबूर किया गया, इतना ज्यादा मजबूर किया गया। तो और फिर उसके दिल में ईमान हो और वो मुतमइन हो ईमान पर, तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं, यानी कि अल्लाह सुबहान मतलब उसको पकड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके दिल में असल ईमान है ना, ईमान की कैफियत है, तो उस वजह से अल्लाह सुबहान मतलब उसको कोई गिरफ्त नहीं करेंगे। हजरत फुकहा बिन फुकहा, जिनका नाम अफलाह मिलता है, बनी आद अद्दार के गुलाम थे। ये भी एक कबीला था जिसके वो गुलाम थे। उनके ये मालिक मलिकान उनका पांव रस्सी से बांध कर उन्हें जमीन पर घसीटते थे। तो देखें कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन ने क्या क्या कुर्बानियां दी है ना दीन के लिए, कि दीन के ऊपर एक बार जब वो साबित खत्म हो जाते तो फिर उन्हें इतनी तकलीफें दी गई। ये इन कुफारों मुशरिकीन का कहना यही होता था कि या तो फिर हम तुम्हें इतनी तकलीफ देंगे कि तुम इस तकलीफ में मर जाओ, या तो फिर तुम अपने इस कलमे से फिर जाओ। लेकिन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला साबित कदम रहा करते थे। हजरत खबाब रजी अल्लाह तआला बिन अर्द कबीले खुजै के एक औरत उम्मे अनमर के गुलाम थी। मुशरिकीन उन्हें तरह तरह की सजाएं देते थे, उनके सर के बाल नोचते थे और सख्ती से गर्दन मड़ोड़ते थे। उन्हें कई बार दहकते अंगारों पर लिटा कर ऊपर से पत्थर रख दिया जाता कि वो उठ ना सके, यानी कि अंगारों पर लिटा कर फिर ऊपर इतना वजन पत्थर रख दिया जाता कि वो उठ ना सके। जनीरा और नहदिया रजी अल्लाह ताला अन और उनकी साहबजादियां और उम्मे राई उम्मे अबीस रजी अल्लाह ताला अन, ये सब लौंडियां थी। तो ये जिन जिन लोगों का नाम आया है ये सभी लौंडियां थी। लौंडियां इन द सेंस वो गुलाम जो होते हैं ना, काम वाली थी, आप समझें। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और मुशरिकीन के हाथों इसी तरह की संगीन सजाओं से दो चार हुई, जिनके चंद नमूने जिक्र किए जा रहे हैं। कबीले बनी आद के एक खानवारे बनी मोइल की एक लौंडी मुसलमान हुई, तो उन्हें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला बिन खत्ताब, जो बनी आद से ताल्लुक रखते थे और अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, इस कदर मारते थे कि मारते 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 खुद थक जाते और उसके बाद कहते थे कि मैंने तुझे किसी मुरव्वत की वजह से नहीं बल्कि महज थक जाने की वजह से छोड़ा है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला जब तक ईमान नहीं लाए थे, ये सबका वाकया है, जब उन्होंने इस गुलाम जो बांधी थी उनके साथ उनको मारा था। आखिरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला और आमिर बिन फुहेरा की तरह इन लौंडियों को भी खरीद कर आजाद कर दिया। तो ये जिन जिन लौंडियों का अभी जिक्र गुजरा है, इन सभी को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने आजाद कर दिया। मुशरिकीन ने सजा की एक शक्ल ये भी अख्तियार की थी कि बास बास सहाबा रजी अल्लाह तआला को ऊंट और गाय के कच्चे खाल में लपेट कर धूप में डाल देते थे और बास को लोहे की जिरह पहना कर जलती हुए पत्थर पर लिटा देते थे।
दर हकीकत अल्लाह की राह में जुल्म जोर की निशाना बनने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है और बड़ी तकलीफ देह है। हालत ये थी कि जिस किसी के मुसलमान होने का पता चल जाता था तो मुशरिकीन उसके दर पर आजार हो जाते थे, यानी कि उसे तकलीफ देने के लिए तैयार हो जाते थे। जो कोई भी मुसलमान होता, ईमान ले आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से मुतासर होकर ईमान ले आता ना, तो फिर गोया आप समझे उसके ऊपर कयामत टूट पड़ती, उसे उसे तकलीफों का उसके ऊपर तकलीफों का पहाड़ टूट जाता, उसे इतनी तकलीफें पहुंचाई जाती, अलग अलग तरीके से अजियतें दी जाती कि आप सुन चुके हैं कि किस तरीके से इन्हें तकलीफ दी गई। ये तो कुछ सहाबा इकराम का जिक्र आया है, ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है जिनमें बहुत सारे सहाबा इकराम को अलग अलग तरीके से तकलीफें दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बाब जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। दारे अरखम इन सितम रानाइयों के मुकाबले मुकाबिल हिकमत का तकाजा ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलान और अमलान दोनों तरह इस्लाम के इजहार से रोक दें और उनके साथ खुफिया तरीके पर इकट्ठा हो, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खुल्लम खुल्ला इकट्ठा होते तो मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किए नफ्स और तालीम में किताब व हिकमत के काम में यकीनन रुकावट डालते और उसके नतीजे में फरीकीन के दरमियान तसद्दम हो सकता था, बल्कि अमलन चार नबूवत में हो भी चुका था, जिसकी तफसील ये है कि सहाबा इकराम घाटियों में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे। एक बार कुफारे कुरैश के कुछ लोगों ने देख लिया तो गालम गलोच और लड़ाई झगड़ा पर उतर गए। जवाबन हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला ने एक शख्स को किसी जरब लगाई के उसका खून बह पड़ा और ये पहला खून था जो इस्लाम में बहाया गया। तो एक बार हुआ ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले जो सहाबा इकराम थे ये नमाज पढ़ रहे थे वादियों में, लेकिन कुरैशी ये वाकया है चार नबवी का। चार नबवी किसे कहा जाता है, यानी कि ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुवत का इजहार होने के बाद से जो वक्त है ना, उसको जो जो अरसा है उसको चार नबुवत, तीन नबुवत जो भी हम कहते हैं, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत का इजहार होने के बाद के सालों की गिनती है उस साल से। तो चार नबुवत जब हम कहते हैं तो आप समझ लें कि गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 44 ईयर्स रही होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत का इजहार जो है वो 40 बरस में हुआ ना। तो चार नबवी में ये वाकया पेश आए कि घाटियों में नमाज पढ़ रहे थे तो कुछ कुफार जो कुरैश के कुफार थे वो उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे इनको देख लिया और उनके साथ गाली गलौज करने लगे। तो इसमें हजरत साद बिन अबी वक्कास ने दिलेरी के साथ बड़े जोश में किसी को जरब लगाई तो उस जरब लगाने की वजह से उसका खून निकल पड़ा। तो ये दीन इस्लाम के लिए बहने वाला सबसे पहला खून था। तो ये वाजे है कि अगर इस तरह का तकरार बार बार होता रहा और टूल पकड़ जाता तो मुसलमानों के खात्मे की नौबत आ सकती थी, क्योंकि तादाद में मुसलमान कम थे ना उस वक्त। तो गोया अगर ऐसे ही इनके साथ लड़ाई चलती तो मुसलमानों को खत्म होना पड़ता ना। तो लिहाजा हिकमत का तकाजा यही था कि काम पास से पर्दा किया जाए, यानी कि छुपते छुपाते किया जाए, यानी कि जब खुल्लम खुल्ला ये काम करने लगे तो गोया इतनी तकलीफों का सामना इनको पड़ रहा था। तो ये इब्तदाई दौर का मामला है कि खुल्लम खुल्ला काम नहीं करते थे ना जबकि बात हो गई है। चुनाचे आम सहाबा अपने इस्लाम, अपनी इबादत, अपनी तबलीग और अपने बाहमी इज्तिमात सब कुछ पसे पर्दा करते थे। अलबत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का काम भी
मुशरकीन के रूबरू खुल्लम खुल्ला अंजाम देते थे और इबादत का काम ही, यानी कि यहाँ पर आप नोट करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला काम करें, क्योंकि हम हमने गुज़िश्ता नशिस्तों में देखा था कि इस्लाम के पहले 3 साल जो थे वो खुल्लम खुल्ला उसमें दीन इस्लाम फैलाया नहीं गया था, वो पसे पड़ता बिल्कुल खुफिया तरीके से इब्तदाई 3 साल थे। उसके बाद से 10वें साल तक जो दूसरा मरहला है इसमें खुल्लम खुल्ला दावत तबलीग देने का हुक्म आ गया था, लेकिन यहाँ पर आप नोट करें कि बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला दीन इस्लाम की दावत भी दे रहे थे और नमाज भी पढ़ रहे थे, लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन अपनी इबादतों को खुफिया रखते और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन खुल्लम खुल्ला दावत नहीं दे रहे थे। जी तो हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का काम भी मुशरिकीन के रूबरू खुल्लम खुल्ला अंजाम देते थे और इबादत का काम भी। कोई चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे रोक नहीं सकती थी, ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों के साथ खुद उनकी मसलिहत के पेश नजर खुफिया तौर से जमा होते थे, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने के लिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास जाते तो वो भी खुफिया तरीके से जाते, ताकि वो कुफार और मुशरिकीन इन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों के साथ खुद उनकी मसलिहत के पेश नजर खुफिया तौर से जमा होते थे। इधर अरखम रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बिन अबी अरखम मखजूमी का मकान गोहे सफा पर सरकशों की निगाहों और उनकी मजलिसों से दूर अलग थलग वाक़े था। तो यहाँ पर ये जो सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला इनमें से एक सहाबी है अरखम रजी अल्लाह तआला, तो उनके घर पे, क्योंकि उनका घर जो था उनका जो मकान था वो काफी पहाड़ों के अंदर था, तो वो काफी दूर था, तो उसमें ये लोग जमा होते थे, इसीलिए इसे दारे अरकम कहा जाता है। इसलिए के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें साले नबुवत में इसी मकान को अपनी दावत और मुसलमानों के साथ अपने इज्तिमा का मरकज बना लिया था, तो दारे अरकम इसे कहा जाता है क्योंकि अरकम रजी अल्लाह तआला इनका मकान था। तो दारे अरकम ये है कि यहाँ पर दीन इस्लाम के लिए जो इज्तिमा होता था 5वीं नबूवत में, यानी 5वें साल नबूवत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकान को अपनी दावत और मुसलमानों के साथ अपने इज्तिमा का मरकज बना लिया। मरकज यानी कि जहाँ पर हर कोई एक साथ गैदर होता है ना, उसको मरकज कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरखम को अपना मरकज बना लिया था। तो आगे पढ़ते हैं हम अपना क्लास में, और अगली जो चीज है वो बहुत अहम है, तो ध्यान देकर सुने। तो वो अभी जिक्र आ रहा है पहली हिजरत हबशा, तो याद रखें हिजरत हबशा 2 बार हुई है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें मिलता है कि हिजरत हबशा 2 बार की गई। हिजरत हबशा क्या है इसके बारे में हम देखने लगे हैं। चलिए देखते हैं कि हिजरत हबशा किसे कहा जाता है। तो जौर सितम को मस्कूरा सिलसिले नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4थे साल के दरमियान या आखिर में शुरू हुआ था और इब्तदान मामूली था, मगर दिन ब दिन और माह ब माह बढ़ता गया, यहाँ तक कि नबूवत के 5वें साल का वस्त आते आते अपने शबाब को पहुंच गया, हत्ता कि मुसलमानों के लिए मक्के में रहना दूभर हो गया। यानी कि इतनी तकलीफें देने लगी कुफार मुशरिकीन के अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को हिजरत के लिए भेजा हबशा में, क्योंकि वहां पर 5वें साल नबूवत में गोया इतनी तकलीफें उरूज पर पहुंच गई थी कि कुफार और मुशरिकीन इतने आगे बढ़ गए थे कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन मक्के में नहीं रह सकते थे, और उन्हें इन पयाम सितम रानियों के से नजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। इन्हीं संगीन और तारीख हालात में सूरह कहफ नाजिल हुआ, तो सूरह कहफ नाजिल इन्हीं हालत में हुआ है, 5वें नबूवी में सूरह कहफ नाजिल हुआ है।
जहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य ग्रह की, अगर आपने तफसील पढ़ी होगी तो उसमें भी उन लोगों का, उन नौजवानों का जिक्र है जो अपने ईमान में बहुत मजबूत थे ना, जो उस वक्त के बादशाह जो जुल्म करता था, जो कुफ्र करता था, उससे बचने के लिए वो कान में जाकर छू गए थे। तो सूर्य ग्रह तभी नाजिल हुआ था। ये असलन तो मुशरिकीन के पेश पर्दा सवालात के जवाब थे, लेकिन इसमें जो तीन वाकियात बयान किए गए हैं, इन वाकियात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए मुस्तकबिल के बारे में निहायत बलीग इश्तिरात था। चुनाचे अस्हाबे कहफ के वाकये में ये दर्स मौजूद है कि जब दीन और अमन खतरे में हो तो कुफ्र और जुल्म के मरकज से हिजरत के लिए तन बतकदीर निकल पड़ना चाहिए। इरशाद है कि वैज़ यअतज़िलतुमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फअ'ऊ इलल्कहफि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही वयुहयी लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़ा। और जब तुम उनसे और अल्लाह के सिवा उनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए तो घर में पनाहगीर हो जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैलाए देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी सहूलत की चीज तुम्हें मुहैया करेगा। तो आप अगर सूरह कहफ की तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरह कहफ में तीन अहम वाकियात का जिक्र है। सबसे पहले तो ये असहाब कहफ जो नौजवान थे, जो अपने दीन के खातिर अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया था ना, क्यों? क्योंकि उस जमाने का जो बादशाह था वो बड़ा जालिम था और दीन पर चलने वालों को तकलीफ दी जा रही थी, तो उन्होंने अपने दीन को, अपने इस्लाम को बाकी रखने के लिए वो हार ले जाकर छुप गए थे। तो इसी का जिक्र यहाँ पर मिलता है कि अपने दीन को अगर बचाना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें हिजरत भी करना पड़े, यानी कि मूव ऑन होना पड़े, तो हो जाओगे। दीन है इस्लाम सबसे अहम है। मूसा अलैहि सलाम का भी जिक्र है और खजर अलैहि सलाम का वाकया भी, ये बात साबित होती है कि नतायज हमेशा जाहिरी हालत से मुताबिक होते, बल्कि बसा औकात। एक मिनट जी, चलिए तो मैं ये बोल रही थी कि मूसा अलैहि सलाम और खजर अलैहि सलाम की वाकये से ये बात साबित होती है कि नतायज हमेशा जाहिरी हालत के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औकात जाहिरी हालत से के बिल्कुल बरक्स होते हैं। लिहाजा इस वाकये में इस बात की तरफ लतीफ इशारा पैना किया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त जो जुल्म तशद्दुद बरपा है उसके नतायज बिल्कुल उसके बरक्स निकलेंगे। यानी कि इससे समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी दीन इस्लाम को दबाया जाता है ना, तकलीफें पहुंचाई जाती है, और तकलीफें ईमान के लिए वो लोग जो सहते हैं, तो अल्लाह ये उनको बशारत दे रहा है कि तुम्हारा इन चीजों को सहना गोया इस्लाम को उरूज पे पहुंचाने वाला है। तो इसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि जब वो हिजरत उन्होंने की हबशा में, तो कुछ वक्त के बाद हबशा का जो सरदार था, जो किंग था, वो भी ईमान वाला हो गया। इसकी भी वजाहत आएगी आगे इंशाल्लाह। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त जो जुल्म और तशद्दुद बरपा है उसके नतायज बिल्कुल इसके बरक्स निकलेंगे, और ये सरकश मुशरिकीन अगर ईमान ना लाएं तो आइंदा इन्हीं मकहूर व मजबूर मुसलमानों के सामने सरनिगों होकर अपने किस्मत के फैसले के लिए पेश होंगे। यानी कि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह सीरत में हम आगे जब पढ़ेंगे जंगे बदर में, एक एक ये जो मुशरिकीन थे इनमें से बहुत से मुशरिकीन मारे गए थे, और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के हाथों से मारे गए थे, और जो जिसको अजियत पहुंचाता था वो उन्हीं के हाथ से मारे गए थे और उनके वो अंजाम को पहुंचे। तो वही अल्लाह यहाँ पे साफ वाजे तौर पे बता रहे हैं कि वो लोग जो तुम्हें तकलीफें दे रहे हैं, अगर उनके हक में ईमान नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो तुम्हारे ही हाथ से गोया रुस्वा हुए ना इस दुनिया में भी। तो जुल्करनैन के वाकये में चंद खास बातों की तरफ इशारा है। तो
जुलकरनैन का विवाह किया सूर्य कहफ में है। आप कभी जब जब कभी जुम्मे का दिन आए तो सूर्य कहफ पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सूर्य कहफ का जो नूर है वो एक जुमा से दूसरे जुमा तक बाकी रहता है। और सूर्य कहफ पढ़ने की फजीलत ये है कि ये आपको दज्जाल के फितनों से बचाता है। तो गोया इसीलिए फरमाया जाता है कि कम अज कम इंसान को चाहिए कि इब्तदाई 10 आयतें और आखिर की जो 10 आयतें हैं, अफहसिब अल्लज़ीन कफरू से वहां से लेके आखिर तक जो 10 10 आयतें हैं इब्तदाई और आखिरी, इनको याद भी करना चाहिए। और अगर आप पूरा सूरा नहीं पढ़ सकते हैं डेली, तो कम अज कम इन इब्तदाई 10 10 आयतों को तो पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। और जुमे के दिन, खास तौर पर जुमे के दिन, तो सूरह कहफ पढ़ने का मामूल आपको रखना चाहिए, क्योंकि सूरह कहफ का एक नूर होता है कि उससे आपकी जिंदगियों में नूर होता है। एक एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान वो नूर रोशन रहता है, बाकी रहता है। और वो नूर की बरकत ये होती है कि आप गुनाहों से बचते हैं, आपका दीन के कामों में ज्यादा दिल लगता है ना, इत्मीनान आपको हासिल होता है। तो आपको चाहिए कि सूरे कहफ की तिलावत आप लाजमी करें जुमे के दिन। तो इसमें ये जो तीसरा वाकया पेश आया है, यानी कि सबसे पहले तो वो नौजवानों के बारे में बताया गया, दूसरा जो है मूसा अलैहि सलाम और खजर अलैहि सलाम के बारे में वाकयात है जिससे बहुत सारी चीजें वाजे होती है, तीसरा जो अहम जिसका जिक्र है सूरह कहफ में वो है जुलकरनैन का। तो जुलकरनैन के वाकये में चंद खास बातों की तरफ इशारा है, यानी कि ये कि जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसे वारिस बनाता है। तो अल्लाह की है ये जमीन। आज गोया हम मुसलमान सोचते हैं ना, हमारा अगर बंगला हो जाए, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए तो ये हमारी है। हम अपने आप को ये रियलाइज नहीं करते कि गोया ये जिस्म भी जो अल्लाह ने हमें दिया है ये भी हमारा अपना नहीं है। आज हम हमारे पास है, कल ये नहीं होगा, हमें अल्लाह के पास लौट के जाना। तो गोया हर चीज अल्लाह ही की मिल्कियत है। दूसरा ये कि फलाह व कामरानी ईमान ही की राह में है, कुफ्र की राह में नहीं है। तो ये भी वाजे तौर से इस वाक़े से, जुलकरनैन के वाक़े से मालूम होता है। तीसरा ये कि अल्लाह ताला रह रह कर अपने बंदों में से ऐसे अफराद खड़ा करता है जो मजबूर और मकरूर इंसानों के उस दौर के याजूज और माजूज से नजात दिलाते हैं। तो आप अगर सूरह कहफ की तफसीर पढ़ें तो जुलकरनैन का जो वाक़ा है उससे आपको ये पता चलता है कि उन्होंने याजूज और माजूज जो थे उनसे बचने के लिए, उस कबीले के लोगों के लिए, उनके दरमियान और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार कायम की थी ना। तो वो दीवार किस लिए कायम की थी? क्योंकि ये याजूज माजूज उनको तकलीफ पहुंचाते थे। इसी तरीके से जुल्फरनैन को अल्लाह ताला ने चुना था उस काम के लिए। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से चुनते हैं कुछ लोगों को, कि हर जमाने में जब याजूज माजूज की तरह दुनिया में नितने फितने आते हैं ना, तकलीफें पहुंचाने, तो ऐसे ईमान वाले होते हैं जिनके जरिए से अल्लाह दीन का काम लेते हैं, जो बराह रास्त सबके लिए हिदायत का जरिया बनते हैं। तो ये उसका चौथा, तीसरा अहम नुक्ता जो हमें सूरह कहफ में जुलकरनैन के वाक्य से मिलता है वो ये है। और चौथा ये कि अल्लाह के साले बंदे, यानी कि जो नेक बंदे ही जमीन के विरासत के सबसे ज्यादा हकदार है। यानी कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो साले बंदे हैं, दर हकीकत ये दुनिया की सारे आराम आप समझें, अगर वो दुनिया में बजाहिर तकलीफ से भी जिंदगी गुजारते हैं तो गोया हर आराम के मुस्तहक वही हैं। और अगर उन्हें दुनिया में ये नहीं मिल रहा है तो गोया अल्लाह सुबहान तआला उन्हें इन सभी चीजों का अजर जन्नत में जरूर पर जरूर देंगे। तो ये हमें पता चलता है कि सूरह कहफ में तफसीर पढ़ने से। मैं गुजारिश करूंगी कि आप सभी को चाहिए कि कम अज कम जो हम पढ़ते होते हैं ना सूरे, जो बार बार पढ़ने में आते हैं, जैसे कि सूरह कहफ हो गया, सूरह यासीन हो गया, सूरह रहमान हो गया, सूरह वाकिया, सूरह मुल्क, ये सूरे हम काफी अक्सर पढ़ा करते हैं। तो हमें चाहिए कि इनकी तफसीर पढ़ें ताकि हमें पता चले ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जुमा के दिन जब आप सूरह कहफ पढ़ें तो इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें,
तर्जुमे के साथ सुनिए, कम से कम सुनिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए, ताकि आपको पता चले कि इसमें किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ईमान में इजाफा होता है, इससे हमारे दिल की कैफियत बदलती है, हम दीन इस्लाम पर और मजबूत कदम होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम तफसीर से पढ़ने वाले बने, इंशाल्लाह। तो ये चंद एक बातें थी जो सूरह कहफ में अल्लाह ने जिक्र की। इसके बाद भी बहुत कुछ आगे मौजूद है सीरत के एतबार से, जो हम मजमून में हैं। इंशाल्लाह हम इससे आगे की गुफ्तगू अगली नशस्त में करेंगे, क्योंकि वक्त मुकम्मल हो चुका है हमारे क्लास का। तो हम अपने सेशन को आज यहीं पर एंड कर लेते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला से ये दुआ है कि जो हमने पढ़ा, जो सुना, जो कहा गया, इसको अल्लाह सुबहान व तआला कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, कबूल भी फरमाए, मकबूल भी फरमाए, और इसको हमारे लिए मगफिरत का सबब बनाए। हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, और अल्लाह सुबहान व तआला हमें जन्नत उल फरदौस में जगह नसीब फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हम सबको नसीब फरमाए, आबी कौसर का जाम नसीब फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. एक गुजारिश है आपसे कि इंशाल्लाह हमारी अगली नशस्त तो सीरत के एतबार से अगली सैटरडे होगी, लेकिन कल भी हमारी संडे के दिन नशस्त होती है अखीदे के एतबार से, तो आप जरूर इसमें जुड़े। इंशाल्लाह गुज़श्ता नशस्त अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में दो नशस्तों में हमने मुकम्मल की थी, आप उसको लाजमी सुने, क्योंकि रजब का महीना चल रहा है और आपको इसकी अहमियत मालूम होनी चाहिए। तो आप इसका जरूर मुताला करें, और इंशाल्लाह कल हमारी नशस्त में हम आगे बढ़ेंगे अकीदे के एतबार से, तो जरूर जुड़े। कुछ अहम बातें रमजान और मुबारक के प्रिपरेशन के एतबार से भी हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे, तो जरूर जुड़े। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। जज़ाकअल्लाह। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाह।